नोटबंदी का बुरा असर अब किसानों पर भी पड़ा है। नोटबंदी के कारण पंजाब से सटे ऊना जिले में किसानों को आलू के खरीदार नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसान आधे से कम दाम में अपनी फसल को बेच रहे हैं। मौजूदा फसल आलू को लेकर किसान काफी परेशान हैं। किसानों के पास ना तो लेबर है और अगर है भी तो उसको भुगतान करने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। ऊना में आलू की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। ऊना के आलू को गोल्ड आलू के रूप में भी जाना जाता है। इन दिनों आलू की निकासी का काम चल पड़ा है, लेकिन नोटबंदी के फैसले ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। किसानों ने हजारों एकड़ भूमि पर आलू लगाया हुआ है और आलू तैयार है, लेकिन नोटबंदी ने किसान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। व्यापार पर तो बहुत असर पड़ा है। हमारा जो भी माल है आढ़तियों के पास या खेत में सब उधार जा रहा है। लेबर पैसे मांगती है, बारदाने वाले पैसे मांगते हैं, गाड़ी वाले पैसे मांगते हैं, तो उनको भी हम ये कह रहे हैं कि जब आएंगे तो देंगे। इसलिए ये नोटबंदी से तो हमारे व्यापार पर बहुत असर पड़ा है। आलू भी जो है पहले से करीब 300-400 रुपये मतलब रेट उसके कम हो गए एकदम नोट की वजह से, तो ये हमें बहुत दिक्कत आ रही है इसमें। हालात ऐसे बने हुए हैं कि किसानों के पास लेबर को देने के लिए पैसे तक नहीं है। आलू के दाम में भी काफी गिरावट महसूस की जा रही है। किसानों की माने तो इस बार नोटबंदी के कारण उन्हें यहाँ लाखों रुपए मुनाफा होना था, वहीं अब उन्हें लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। नोटबंदी का असर अन्नदाता पर भी पड़ रहा है और अन्नदाता कहे जाने वाले किसान इससे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। एकदम नोट बंद होने करके मंडी वाले जो आढ़ती थे वो बोल रहे थे कि हमारे पास माल नहीं बेचना, हमारे पास नोट नहीं है, आप नए नोट टोलेंगे तो हमारे पास नए नोट नहीं है, पुराना नोट बंद हो गया, अगर पुराने ले जाने तो ले जाओ, हम क्या करेंगे, उनको लाकर लेबर को देंगे या किसको देंगे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा। तो इसलिए 4-5 दिन तो माल खेतों में वैसे ही बिल्कुल आम पटाई बंद हो गई। आम पटाई बंद होने से माल सारा इकट्ठा हो गया, माल जब थोड़ा सा अब निकलने लगा है तो मंडी में जहाँ एक गाड़ी जाती थी वहाँ 8 गाड़ी जाने लग पड़ी है। 8 गाड़ी जाने से मंडी में तो कुदरती मंदा आएगा ही आएगा। जो माल हमारा 800 रुपये में बिक रहा था वो आज 400 रुपये में बिक रहा है।